ओ हुजूर, ये क्रॉसबो क्यों पहना है आपने? मैं इससे लोगों को तीर मारूंगा या खुद 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 खाच, और फिर लोग आपको मारेंगे। ये शरारती तीर है जिसे मैं अलबत्ता के मकान से लाया हूँ। इन तीरों की मदद से मैं लोगों के साथ शरारत करूंगा और इतने सालों की बदनामी का बदला लूंगा। ओ हुजूर, सुबह सुबह फालतू जोक मत मारो। अब मैं नहीं, नाजुक मारेगा। क्या जोक? जोक नहीं, तुम्हें मारेगा। ये है पिटाई करे तीर। ये तीर नाजुक को लगते ही वो तुम्हारी पिटाई करेगा। You get shacks. अभी इस मुए की पिटाई करता हूँ। हुजूर, जरा रोको इस नाजुक को, वरना ये पीट पीट कर मेरा हाल आपके दिमाग की तरह कर देगा। फुसकी। देखो अब कैसे ये इज्जत दे तीर। मारते ही हमेशा बुराई करने वाला नकसुरा मेरी तारीफों के पुल बांधेगा। बांधो ये खचा। जाना, जा क्यों नहीं रहा गया? ओ हुजूर, अब बॉस कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि आप सुपर बॉस कहलाने के लायक हो। आपकी शक्ल जूते की पॉलिश की तरह है, जो हमेशा चमकती रहती है। मुए नकसुरे, होश में आ, तुझे कूड़ा सोना कैसे दिखाई दे रहा है? ओ हुजूर, आपके चरण कहाँ है, वो छूने हैं मुझे। आशीर्वाद, ऐसे ही छूते रहो। लगे हाथ पैर भी दबा दो। क्या ओ हुआ? हुजूर के पैर मेरे हाथों में क्या कर रहे हैं? ये ले मुए टूथपेस्ट। हुजूर की तारीफ करके मुँह गंदा हो गया होगा तेरा। ले। काश इस शरारती तीर का असर लाइफ टाइम रहता, लेकिन इसका असर तो सिर्फ एक मिनट में खत्म हो जाता है। कोई नहीं, एक मिनट भी बहुत है बदला लेने के लिए। बिशुम बिशुम, अब होगी सुल्तान नगर वालों की टिशुम टिशुम। अरे बांगड़ू बोले, ये क्या कर रहा है रे तू? गुरु, मेरे हाथों में खुजली हो रही है, इसीलिए उन्हें दीवार से खुजा रहा हूँ। लगता है आज मेरे हाथों से कोई तो पिटने वाला है। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है? गलत बोले, आज कोई ना कोई नहीं, बल्कि सब पिटने वाले हैं तुम्हारे हाथों से। अब मैं ये उठाकर फेंक दे तीर, भोले पर मारूंगा। फिर भोले के सामने जो भी आएगा, भोले उसे उठाकर फेंक देगा। गुरु, मेरे सामने जो कुछ भी है, मेरा उसे उठाकर फेंकने का मन कर रहा है। अरे भोले रुक जा, ये तुझे क्या हो गया रे? ये क्या कर रहा है भोले? अरे लगता है भोले पागल हो गया है। भागो भागो। अरे नहीं, अरे कार नहीं, अरे रुक जा। अरे नहीं, अरे क्या कर रहा है भोले? लेफ्ट नहीं, राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। मेजर ने लेफ्ट से राइट से ध्यान से देख लिया है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है।
टॉमी रोड क्रॉस करना शुरू कर। लेफ्ट राइट लेफ्ट एक दो एक। आज से मेजर रोड क्रॉस करने से पहले लेफ्ट से राइट से और ऊपर से भी देखेगा। सब लोग हट जाओ मेरे सामने से वरना मैं सबको उठाकर फेंक दूंगा। बांगड़ू बोले सुन तू अभी के अभी रुक जा नहीं तो गुरु को गुस्सा आ जाएगा रे। कैसे रुकूं गुरु ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्या आओ, आओ। अब गुरु को गुस्सा नहीं हंसी आएगी। ये हंसते रहो तीर से गुरु को मारते ही गुरु सब पर हंसने लगेगा। कुछ करो। गुरु अभी भोले को रोकने के लिए जोर जोर का हंसेगा। ये क्या बोल गया भोले रुक जा रे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है बल्कि जोर की हंसी आ रही है। अरे भोले ये देख मेजर साहब और पापड़ में कोई फर्क नहीं है। अरे भोले ये गार्डन बेंच उठाकर फेंकेगा तो और हंसी आएगी रे बांगड़ू। जैसा आप कहें गुरु। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सबको मिल रही है सजा पर मुझे आ रहा है धमाल मजा पता नहीं क्यों। मम्मा मिया भोले को स्टॉप करने के बदले गुरु खुद उसकी हरकतों पर हंस दिया। गुरु आप मेरे सामने क्यों आ गए मुझे आपको भी उठाकर फेंकना होगा। मैं हंसा और फंसा अब मेरी हड्डियां भी टूटेगी। गलत वक्त पर तीर गिर गया वरना भोले गुरु को फेंक ही देता। बिशुम बिशुम अभी सब सुरताल नगर वाले करेंगे गुरु भोले की दिशुम दिशुम। अरे बांगड़ू भोले मेरे जबड़े क्यों दुख रहे हैं रे। तुम जोर जोर से पेट पकड़कर हम पर हंस ली इसलिए तुम्हारे जबड़े पेन होली। मैं कब हंसा। अरे बांगड़ू मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं तुम पर कब हंसा। गुरु भोले की इस हरकत पर मेजर उन्हें बड़ी से बड़ी सजा देगा। गुरु भोले गार्डन में जाएंगे और पूरा दिन अपने सर के बल उल्टा खड़े रहेंगे। सर के बल उल्टा खड़ा हो लेफ्ट राइट लेफ्ट। बांगड़ू भोले अब तक समझ में नहीं आई रही एक बात कि तू अपनी मर्जी के बिना लोगों को उठाकर क्यों फेंक रहा था रे और मैं लोगों पर हंस क्यों रहा था। मजा तो अब दुगना हो जाएगा जब मैं गुरु भोले पर ये गुलाटी मारे जा तीर चलाऊंगा। इसके लगते ही दोनों मारेंगे गुलाटियां। आओ खुचा एक खुचा। अरे बांगड़ू हम लोग अपने आप गुलाटियां कैसे मार रहे हैं रे। मटकों से बचना है तो हमारे पीछे होली। गुरु हमने तो गुलाटियां मारनी बंद कर दी लेकिन अब ये सब मारेंगे। क्या गुलाटियां
नहीं, हमें मारेंगे गुरु। देखो सब कितने गुस्से में हैं। मेजर, अब गुरु भोले को लास्ट वार्निंग देगा। अगर गुरु भोले ने ऐसी कोई हरकत फिर से की तो मेजर उन्हें लेफ्ट राइट लेफ्ट करवाते हुए सुल्तान नगर के बाहर पहुंचा देगा। शरारत तो और बड़ी होगी इस बार जब मैं दोनों पर घोड़ा बनाऊं तीर मारूंगा। ये तीर लगते ही दोनों घोड़े की तरह चलेंगे, दौड़ेंगे और हिन हिनाएंगे। वाह, देखो कैसे गधा घोड़े की आवाज निकाल रहा है। इसे ये गधा बहुत टैलेंटेड है, रोज इंसान की आवाज में बात भी करता है। सबसे पहले तुम्हारे सिर में वो देता हूँ जो तुम लोग मुझे रोज देते हो। क्या? गुस्सा? नहीं, सर दर्द। तुम लोग मुझे रोज सर दर्द देते हो, आज एमजे तुम्हें सेम टू यू करेगा। यकचा यकचा। अब सर पटको, तीर से पटकते रहो सर। अब गुरु भोले को घोड़ा बनाने की बारी। टॉमी, ये क्या बदतमीजी है? मेजर फिर से टॉमी के अंदर बैठेगा। बैठना शुरू कर। गाड़ी से घोड़े बन गए हैं कौन? वो देखो, टॉमी और कुरियन अन्ना का स्कूटर, और उनमें आपस में लगी है क्या? ये देखो, हॉर्स रेस। बहुत गुरु, पहली बार मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। ऐसी खतरनाक सिचुएशन में मजा तुझे ही आ सकता है रे। आज सुल्तान नगर के लोग ही नहीं बल्कि गाड़ियाँ भी मैड हो ली। जरूर कोई ना कोई कुछ गड़बड़ कर ली। घोड़ा बनाऊं तीर? अरे बांगड़ू अलबत्ता, ये तो तेरे मकान का हरे सामान। मम्मिया, ये तो शरारती तीर होती। ये एरो जिसको लगती उसके साथ वही होती जो इस एरो में लिखा होती। अच्छा, क्या मजा खत्म हो गया, चलो यहाँ से। अरे बांगड़ू ये देखो, ये रहे गुलाटी मारे जा तीर। शायद इन्हीं शरारती तीरों की वजह से हमने गुलाटियां मारकर तबाही मचाई। यानी इस शरारती तीर को चलाने वाला यंत्र हम में से किसी ना किसी के पास तो जरूर होगा। बांगड़ू, हम सब सुबह से परेशान हैं, सिवाय एमजे के। यानी वो गन किसके पास होगी? एमजे के पास। सही कहा। सॉरी, किस चीज के लिए बोल रहे हो? आपका जो हाल करने वाले हैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रहे हैं। ये लो बंदर बनाओ की। हुजूर पर बंदर बन तीर मार के कितना मजा आ रहा है। बेवकूफों, इस चीज की कदर करो, क्योंकि इतने दिन बाद ऐसी कोई चीज हाथ लगी है जिससे हम सबको अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। तक दिना दिन। ये एमजे कुछ भी बोलता है, किसी की उंगली पर नाचना नामुमकिन है। अरे हट जा वहाँ से। मम्मिया, भोले ने दोनों हाथों की उंगलियों को ककड़ी जैसा सुझा दिया। अरे अरे बांगड़ू भोले, वो उंगलियों पर नाचना एक कहावत है रे, अब जाने दे। बांगड़ू, अब हमें उसकी आंखों में धूल झोंक कर उससे शरारती तीर हमें छीनने होंगे, समझे? खास कर तू भोले।
अरे भोले, अरे भोले कहाँ चला गया रे मेरे चंचल बुद्धि भोले। गुरु मैं एमजे की आंखों में धूल झोंकने मतलब धूल डालने जा रहा हूँ। अरे बांकड़ू भोले, आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है प्लानिंग करके दूसरे को उल्लू बनाना रे, ना कि ऐसे किसी की आंखों में सच में धूल झोंकना। अरे समझता क्यों नहीं भोले। रुको एमजे। बिशम बिशम, भोले ने मिट्टी से कर दी आंखों के डिशम डिशम, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे धत तेरे की भोले, अब जब आंखों में धूल झोंक ही दी है तो मार दे मौके पे चौका, शरारती तीर लेकर भागो। चलो उनके पीछे, वो शरारती तीर छीन लेते हैं। अरे ये तीनों बांगड़ू तो पहुंच रहे हैं हमारे करीब, इन्हें दूर करने की निकालनी होगी कोई तरकीब। गुरु मैं इस शरारती तीर का इस्तेमाल करके उन्हें रोकता हूँ। अरे वाह अरे वाह, शाबाश मेरे भोले। वैसे मेरे वीर, किस चीज का मारा है रे तूने उन्हें तीर? मैंने उन्हें डबल स्पीड तीर मारा है गुरु। क्या? अरे बांगड़ू, तू और तेरे आइडिया की जगह यहाँ नहीं रे, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, यानी अंतरिक्ष में है रे। थैंक यू गुरु। ये लिया। सामने डेड एंड है रे। अरे जंप करने वाले तीर का इस्तेमाल कर भोले। अभी करता हूँ गुरु। अरे बांगड़ू, हम लोगों पर करना था रे इस जंपिंग तीर का इस्तेमाल, दीवार पर नहीं करना था रे। देख कैसे उछल रही है रे दीवार। अरे बांगड़ू सुनो, वो शरारती तीर नहीं जाने चाहिए हमारे हाथों से। अब तुम लोगों को चीटी की तरह फूंक मार के उड़ा देगा ये एमजे। तुम सबको शरारती तीर चाहिए थे ना, एमजे का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम सबको देगा शरारती तीर। सब हो जाओ क्रेजी। डैमेज करने वाला तीर मारा है, इसीलिए सब मिलकर सुल्तान नगर को नष्ट कर रहे हैं। अब हमें इन सबको रोकना होगा बांगड़ू, नाच गाने के लिए तैयार है ना तू? ओके गुरु। तो चल हो जाए शुरू। अरे तक दिन दितांग बाजे, गाए गुरु और भोले नाचे। तीर वीर तीर चक्कू, तीर वीर तीर चक्कू, तीर वीर तीर चक्कू, शरार तीर रोड रोलर पम पम रोड रोलर पम पम थोड़े थोड़े अरे पगला होकर अरे एरो एरो अरे खैर।
को हमको मारती, अरे काहे को हमको मारती। वीर 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 चक्कू, वीर 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 चक्कू, वीर 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 चक्कू, चक्कू 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 चक्कू, वीर 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 चक्कू, वीर 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 चक्कू, वीर 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 चक्कू, चक्कू 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 चक्कू। शरारतीर 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 शरारतीर, शरारतीर 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 शरारतीर, शरारतीर 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 शरारतीर, शरारतीर 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 शरारतीर। गुरु भोले, हम सब ने अनजाने में तुम पर और सुरताल नगर पर अटैक कर ली, उसके लिए हम माफी मांग ली। सॉरी 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 मम्मिया। गुरु भोले ने फिर से सुरताल नगर को बचा लिया, और वो देखो शरारती तीरों को भी तोड़ दिया। गुरु, आज से मेरी अकल के घोड़े दौड़ने लगेंगे। वो कैसे भोले? ये घोड़ा बनाओ, तीर मारते ही मैं घोड़ा बन जाऊंगा गुरु, और फिर मेरी अकल भी घोड़े जैसी तेज भागेगी। है? मैं तो मजाक कर रहा था। तू भी ना भोले। यह अलबत्ता के मकान से लाया हुआ सच कर दे 3D चश्मा दिखाओ। ओ हुजूर, लो इसके डंडों पर लगा दी मजबूत जोड़ गम। एक बार गुरु इन्हें पहन ले टचाक, फिर ये सच कर दे 3D चश्मा, ऐसा चिपकेगा खचाक, ऐसा चिपकेगा खचाक कि इसे 7 जन्मों तक निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे बदल देते हैं गुरु के चश्मे के साथ। सुन भोले, ऐसे गजब के दिन में हम करेंगे बस एक ही काम, वो होगा सिर्फ आराम। अब गुरु इस सच कर दे 3D चश्मे की मदद से जिस चीज की फोटो देखेगा वो चीज सच में आ जाएगी। भिशुम भिशुम, गुरु भोले की होगी डिशुम डिशुम। गुरु वो देखो, आसमान में एरोप्लेन जो फुटबॉल का विज्ञापन कर रहा है। अरे वो फुटबॉल का नहीं रे, तरबूजों का विज्ञापन है। अरे अरे बांगड़ू, ये तरबूज तो एकदम मेरी नजरों के पास दिख रहे हैं, और तो और ये हिल भी रहे हैं जैसे कोई असली तरबूज हो। अरे अब तो ये पोस्टर से बाहर भी गिर रहे हैं। बोले वो देख। बिन मौसम बरसात कहावत तो सुन ली। हाँ, लेकिन बिन मौसम तरबूज बरसते हुए फर्स्ट टाइम देख ली। वी 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 वी। पूरे सुरताल नगर में आ गई है क्या? ई देखो तरबूज की बार। हाँ। और हाल खराब किसका हुआ है? वो देखो सुरताल नगर वालों का। अरे भोले, ये चश्मा तो उतर ही नहीं रहा है, चिपक गया है, ये देख। मामा मिया, गुरु तुमने ये सच कर दे 3D चश्मा क्यों पहन लिया? ये चश्मा डेंजरस होती, इससे तुम जिस चीज का फोटो देखती वो चीज रियल हो जाती। क्या? यानी 2D फोटो रियल का 3D चीज बन जाती। मामा मिया। अरे पता नहीं ये आफत कैसे पड़ गई रे मेरे गले। सॉरी बांगड़ुओं, मेरी वजह से आप सबको हो रही है तकलीफ। सुनो दोस्तों, मैं कर लेता हूँ अपनी आँखों का शटर बंद, इसमें ही है सबकी भलाई।
मेजर के फैन ने मेजर को गिफ्ट में एक पेंटिंग दी है। मेजर तुम सबको पेंटिंग दिखाएगा। पेंटिंग दिखाना शुरू कर। लेफ्ट से दिखा, राइट से दिखा। मेजर साहब, जल्दी से पेंटिंग कवर कर ली। कोई मुझे बताएगा कि इस पेंटिंग के लेफ्ट में या राइट में क्या प्रॉब्लम है? भोले बताएगा। मेजर साहब, अगर आप पेंटिंग का कपड़ा निकालते ऐसे, तो गुरु इसे देखते और गुरु के सच कर दे 3D चश्मे से देखते ही ये पेंटिंग की चीजें सच में बाहर आती। अब जैसे ही गुरु ये पेंटिंग देखेगा, ये मिसाइल सच में बाहर आ जाएगी। ओ हुजूर, लेकिन वो देखेंगे कैसे? गुरु की आंखें तो बंद हैं। अभी खोल देता हूँ आंखें। ये टुचुक, ये टुचुक। भोले ने गुरु को दिखा दी है क्या? इस देखो पेंटिंग, इसमें से क्या निकलेगा? वो देखो मिसाइल। मेजर साहब, ये मिसाइल डुप्लीकेट था, क्योंकि अक्सर मिसाइल चोट पहुंचाते हैं, लेकिन इसने तो हमें हवा में पहुंचा दिया। मामा मिया, हम लोग डबल स्पीड में नीचे गिरती। गुरु कुछ कर ली, वरना टूटेगी हमारी हड्डी पसली। आईडिया मांगड़ू, अब इसी सच कर दे 3D चश्मे की मदद से बचाता हूँ हम सबको। मामा मिया, गुरु इस हॉट एयर बलून ने हमें बचा लिया। अरे इसमें तो आग लगी है, इसे अभी बुझाता हूँ। अरे नहीं भोले, ऐसा मत कर। आग बुझाकर मैंने जलने के खतरे को दूर कर दिया है और गिरकर हड्डी टूटने के खतरे को कर दिया है पास। बचो। अरे वाह, ये मैट्रेस वही हमें बचाएगा। सुन भोले, जब तक ये चश्मा निकल नहीं जाता, तब तक मुझे ऐसी कोई जगह ले चल जहाँ पर चारों ओर अंधेरा हो और आसपास हमारे सिवा और कोई ना हो। ऐसी एक जगह है मेरे दिमाग में। गुरु, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। अरे वारे मेरे भोले, यहाँ तो घनघोर अंधेरा है और जगह भी एकदम खाली है। लेकिन ये कौन सी जगह है रे बांगड़ू? मूवी थिएटर है गुरु। अरे वारे मेरे भोले, क्या आइडिया है। अब यहाँ आराम से बैठेंगे जब तक अलबत्ता ढूंढ नहीं लेता कोई सोल्यूशन इस चश्मे को निकालने का। वेरी गुड भोले, सही जगह ले आया है गुरु को वो। अब MJ गुरु को गॉडजिला द डिस्ट्रॉयर मूवी दिखाएगा। अरे बांगड़ू, स्क्रीन पर गॉडजिला की मूवी कैसे शुरू हो गई रे? गुरु, मैं अभी चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करके आता हूँ। चाय नाश्ता क्यों रे बांगड़ू? गुरु, आपने इसे देख लिया है और अब ये हमसे मिलने बाहर आ जाएगा, और मिलने आए मेहमान को चाय नाश्ता तो पूछना ही पड़ेगा ना गुरु। अरे बांगड़ू, ये चाय नाश्ते में हमें ही खा जाएगा रे। अरे भाग। गॉडजिला तो सब कुछ नष्ट कर रहा है रे, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है भोले।
मुझे भी गुरु, अब हम दोनों को ही कुछ करना होगा। गाना गाकर? नहीं, इसका खाना बनकर। इसका खाना बन गए तो ये डिस्ट्रक्शन दिखाई नहीं देगा। प्रॉब्लम सॉल्व। सुन भोले, जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बंद हो जाए आना, तो समझ लो वक्त हो गया है शुरू करने का गाना। अरे तक दिन दितांग बाजे, गाए गुरु और भोले नाचे। गॉडज़िला गॉडज़िला, ओ गॉड गॉडज़िला, गॉडज़िला काहे हमें ये मिला, ओ गॉड गॉडज़िला, गॉडज़िला काहे हमें ये मिला। चल रे भोले, चल रे भोले डांस कर, डांस कर, चल रे भोले डांस कर, सर पे इसके बाउंस कर, रोक इसे हाँ वरना ये सुल्तान नगर को देगा हिला। चश्मा दे गया हमको ये रकमा, मिले मुझसे इसको जल्दी छुटकारा दिला। ओ गॉड गॉडज़िला, हमें कक कक कका है हमें ये मिला। गुरु भोले ने गॉडज़िला से बचा ली और सच कर दे थ्रीडी चश्मा भी। गुरु भोले की ऐसी डर की आंधी है चली। ये सिकुड़ कर बन गया है गॉडज़िला भी छिपकली। गुरु और भोले देखो, मैंने गार्डन में कितने सारे गुलाब के फूल लगाए हैं। गुलाबों को देखना शुरू कर। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट से देख राइट से देख, गुलाबिया देख गुलाब देख। वैसे मेजर साहब, आप हमें ये फूल दिखा क्यों रहे हो? क्योंकि तुम दोनों को इन गुलाबों की रखवाली करनी है, इन्हें पक्षियों से सुरक्षित रखना है। रखवाली में तुम्हारी मदद करेगा ये सेगवे। ये तुम्हें तेजी से पक्षियों को उड़ाने में मदद करेगा। क्यों? क्या पंछी अपने आप उड़ नहीं सकते? नहीं। अरे मेरे भोले रतन, पंछियों को इन फूलों पर बैठने से पहले उड़ाना है रे, और उन्हें भगाना है। मैं जरा कैमरा लेकर आता हूँ, मुझे इन खूबसूरत गुलाबों की फोटो खींचनी है। देखो कैसे कैमरा की बात सुनकर पंछी भी आ गए अपनी फोटो खिंचवाने। भोले, इन पंछियों को दूर भगाने के लिए हमें स्केयर क्रो चाहिए होगा रे। वो देख, ठीक वैसा। देखा, इसे देखकर पंछी आएंगे नहीं यहाँ। पंछियों, तुम लोग 2 मिनट रुको, हम लोग 5 मिनट में आते हैं अलबत्ता के मकान से तुम्हें भगाने वाला स्केयर क्रो लेकर। मिल गया खतरू शॉर्ट सर्किट स्केयर क्रो। चल इसे जोड़ते हैं। क्योंकि शॉर्ट सर्किट है मेरा नाम और इंसानों को डराकर भगाना है मेरा काम। वो भी गैजेट की मदद से, क्योंकि मैं सारे गैजेट्स कंट्रोल कर सकता हूँ ऐसे। अपने कैमरे से लेफ्ट के और राइट के गुलाबों की फोटो खींचेगा।
तुम कौन हो? कहाँ ना? शॉर्ट सर्किट है मेरा नाम और इंसानों को डराकर भगाना है मेरा काम। टॉमी टैंक इस विलन पर अटैक करके इसे यहाँ से भगाएगा। अटैक शुरू कर। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट अटैक राइट अटैक करते जाओ। फ्लैश की वजह से मुझे ना ही लेफ्ट की और ना ही राइट की आंख से कुछ दिखाई दे रहा है। वाह गुरु, देखो शॉर्ट सर्किट मेजर साहब की कमाल की क्लोजअप फोटो खींच रहा है। अरे भोले, फोटो नहीं रे, मेजर साहब को खींच खींच कर दे रहा है मार। रुक, अभी इसकी आंखों में धूल झोंकता हूँ। बच के कहाँ जाओगे? अरे बांगड़ू, वो दिखाई नहीं दे रहा। चलो अंदर चले। जल्दी चलो गुरु, ये छुपने के लिए सबसे सेफ जगह है। मेजर साहब, गुरु भोले, तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में छुपने क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पीछे इंसानों को भगाने वाला स्केयर क्रो लगा है। मामा मिया, ये तो मेरे मकान का सामान होती, ये इंसानों को डरा डरा कर भगाती। मैं तुम्हें गैजेटों से इतना डराऊंगा कि तुम लोग यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाओगे। हम भी इंसान है ना? हाँ रे भोले। तो हम खड़े क्यों हैं? भागो भागो। सुनो बांगड़ुओं, यहाँ छत पर हम लोग होंगे सुरक्षित। चलो। डर से इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ये लोग भूल गए कि लिफ्ट भी एक गैजेट है। Ah!
मामा मिया, हम सब ने सुरताल लगकर क्विट करने का डिसीजन ले लिया। अरे एक गैजेट के ढांचे से कैसे तुम लोग गए डर? लड़ना होगा उससे होकर बेफिकर। डर से थर थर कांप रहे हैं कौन? देखो हम लोग, क्योंकि सुरताल नगर के लोगों पर बरस रहा है क्या? वो देखो गैजेटों का कहर। शॉर्ट सर्किट है मेरा नाम, इंसानों को डरा कर भगाना है मेरा काम। अब इसे हमारे नाच और गाने का मिसाइल ही नष्ट कर सकता है रे। हरे तक दिन धितांग बाजे, गाए गुरु और भोले नाचे। इंसानों को है डराता और डरा कर है भगाता, सारे गैजेट का ये मालिक जो जी चाहे वो कराता। इंसानों को है डराता और डरा कर है भगाता, सारे गैजेट का ये मालिक जो जी चाहे वो कराता। आँख में लेजर लाइट है इसकी, खोपड़ी भी तो है इसकी, किसकी बहुत उड़े ये जा रहा है भोले ने गेम से। सर्किट सर्किट शॉर्ट शॉर्ट सर्किट स्केयरक्रो, सर्किट सर्किट शॉर्ट शॉर्ट सर्किट स्केयरक्रो, सर्किट सर्किट शॉर्ट शॉर्ट सर्किट स्केयरक्रो, सर्किट सर्किट शॉर्ट शॉर्ट सर्किट स्केयरक्रो। गुरु भोले जिंदाबाद। गुरु भोले ने शॉर्ट सर्किट का बत्ती गुल कर दिया। मामा मिया, गुरु भोले ने शॉर्ट सर्किट का लेफ्ट से और राइट से हिस्सा अलग करके उसे डिसमेंटल कर दिया। जब चलता है गुरु भोले की सच्चाई का मैजिक, तब बुराई के गैजेट्स का अंत होता है ट्रैजिक।